रॉयल राइज डेवलपर्स आपको दे रहा है शहर की सबसे शानदार लोकेशन पर रहने का मौका, क्योंकि हम मकान नहीं घर बनाते हैं, वो भी बेहद कम दामों पर। अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। फीस माफी की मांग को लेकर एक बार फिर से पालक संघ और सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां पर काफी देर तक नारेबाजी की और कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। अच्छी बात करते करते अचानक उन्होंने बोले आप उठिए यहाँ से निकल जाइए, बोले आपको यहाँ पे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, जो बात करना है आप बोले लिखित में करो, कोर्ट में जाओ, बोले हमको कुछ नहीं मालूम है, बोले यहाँ से बाहर निकलो, आप यहाँ पे माहौल खराब मत करो। बोले इसका मतलब क्या है माहौल खराब, मतलब क्या है? जितने जो लोग फीस भर रहे उनको भी भरने से हम रोक रहे थे, वो मतलब चाह रहे थे कि ये फीस भर रहे इनको रोको मत, मतलब इसका मतलब क्या है? ये जो है स्कूलों की जो मनमानी ये चल रही है, इसी से हम अवगत कराना चाह रहे हैं। सब लोग यहीं बैठ जाओ, जब तक मैडम नहीं आएगी जब तक कोई नहीं उठेगा, और आज हम यहीं धरना देंगे। भैया हमारे को जवाब चाहिए, हम माननीय जिला अधिकारी के जो लेटर निकला है 7 दिन का समय दिया था उसका हम जवाब मांगने आए हैं, और जब तक हमको यहाँ से जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज सक्षम अधिकारी को बुलाया जाए और हमारे सवाल का जवाब दिया जाए। सभी लोग कहते भैया, सब कह दिया और बतानी हो तो यहाँ आ जाए, नहीं तो हम आज जागरूक पालक संघ का। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय तक विद्यालय बंद रहे और इसी के चलते पालक फीस माफी की मांग कर रहे हैं। 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट बुलाकर उसके आधार पर ट्यूशन फीस हो, क्योंकि अभी वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि स्कूल जो पिछले साल टोटल फीस ले रहे थे उसको ही उन्होंने ट्यूशन फीस बताकर पालकों से फीस की डिमांड की है, जो बहुत ज़्यादा है। तो हम पालक फीस देने को तैयार हैं, शासन हाईकोर्ट ने ट्यूशन फीस देने का बोला है, हम देने को तैयार हैं, मगर ट्यूशन फीस पर के बोलने पर उसको पूरी फीस जो स्कूल प्रबंधन बता रहा है उसके हम खिलाफ हैं। उसी के खिलाफ हम कलेक्टर महोदय के पास गए थे। माननीय कलेक्टर महोदय ने एक आदेश जारी करके जिला शिक्षा अधिकारी जी को सारे स्कूल से 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट और फीस कार्ड और क्या वृद्धि हुई ये बुलाने का बोला था, मगर आज 15 दिन हो गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जी केवल जांच का ही बोल रहे हैं और अभी तक उस संबंध में कोई भी कागज इनके पास उपलब्ध नहीं है। तो हमारा पालक संघ का यही निवेदन था कि माननीय कलेक्टर महोदय ने जो आदेश जारी किया है आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, जागरूक पालक संघ विगत 6 महीने से विभिन्न प्रकार के ज्ञापन दे रहा है उनकी नहीं सुन रहे हैं तो फिर किसकी सुनेंगे। हमारी आज यही डिमांड है कि कलेक्टर महोदय द्वारा जो आदेश जारी किया है उस आदेश का शीघ्र अनुपालन हो और पालकों को कुछ राहत मिले। आज आपने क्या किया? आज हमने शिक्षा अधिकारी से वही जवाब मांगने आए थे, मगर ना यहाँ शिक्षा अधिकारी है ना उनके बाद जो आते अधिकारी है जिनके ऊपर प्रभार है वो यहाँ नहीं है। पालक 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठ के परेशान हो रहा है। अंत में माननीय जो डीपीसी महोदय ने हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने हमें बुलाया कि शीघ्र कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पालक संघ अब उग्र आंदोलन करेगा, क्योंकि स्कूलों का बहुत ज़्यादा दबाव हो रहा है और पालकों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे।